सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है और रोड की साइड में ये अलग अलग रंगों का पत्थर क्यों होता है, आखिर इसका काम क्या होता है और हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करती है वहाँ पे एच जैसा लोगो क्यों बना होता है। तो जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे, आई होप वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। नंबर 10, अर्जेंटिना का रहने वाला एक ऐसा शख्स है जो कि कहीं भी जाता है तो वो अपने साथ कृष्ण भगवान को अपने साथ लेके जाता है। यह शख्स भगवान कृष्ण जी का इतना बड़ा भक्त है कि जब भी कहीं जाता है तो दो सीट बुक करता है, एक अपने लिए दूसरा श्री कृष्ण जी के लिए। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है लेकिन ये रियलिटी में ऐसा हुआ है। नंबर 9, क्या आपको पता है कोलंबिया और साउथ अफ्रीका में एक ऐसी तितली पाई जाती है जो कि दिखने में कुछ इस तरह से होती है। इसके पंख में 88-89 जैसा कुछ नंबर टाइप से लिखा हुआ होता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। और यह चीज कोई इंसान या फिर साइंटिस्ट ने नहीं किया है बल्कि यहाँ की तितली में यह नेचुरली पाया जाता है जो कि देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है। और इस तितली का साइंटिफिक नेम डायएथ्रिजिया फॉल्जिया है। नंबर 8, क्या आपको पता है आप जो पांडा देखते हो, हाँ वही पांडा जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्यूट होता है, लेकिन क्या आपको पता है जब एक पांडा का जन्म होता है तो उसका साइज एक चूहे के बच्चे से भी छोटा होता है, जो कि यह बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होता है, यानी कि एक पांडे का बच्चा चूहे के बच्चे से भी छोटा होता है। वाओ। नंबर 7, साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी आदमी से 20 सेकंड तक गले लगते हैं या फिर उस इंसान को हग करते हैं तभी आप दोनों के शरीर में एक ऐसा केमिकल रिलीज होगा जिसके कारण आप उस इंसान पे खुद से भी ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। वो इंसान जैसा भी हो उस इंसान का हर एक बात आपको सच लगेगा और आपको भी लगेगा ये इंसान जो कह रहा है वही बात सही है। नंबर 6, क्या आपको पता है वनडे क्रिकेट मैच हमेशा व्हाइट बॉल से क्यों खेला जाता है और टेस्ट मैच हमेशा लाल गेंदों से क्यों खेला जाता है? दरअसल एक वनडे क्रिकेट मैच को खेलने में बहुत ही टाइम लगता है जिसके चलते क्रिकेट मैच खेलते रात भी हो जाती है, जिसके चलते रात के समय रेड कलर का गेंद ब्राउन कलर का नजर आता है जिसके कारण प्लेयर्स को बॉल दिखने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, इसलिए वनडे क्रिकेट मैच को सफेद बॉल से खेला जाता है ताकि रात के टाइम भी आसानी से बॉल दिखाई दे। और वहीं टेस्ट मैच हमेशा दिन में खेला जाता है और दिन के समय रेड कलर का बॉल प्लेयर्स को आसानी से समझ आता है और जब कभी रात और दिन दोनों टाइम मैच खेला जाता है तो गुलाबी कलर का बॉल का यूज किया जाता है ताकि वो बॉल दिन और रात के टाइम दोनों टाइम प्लेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। अगर आप लोगों को वीडियो में बहुत ही मजा आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस को एक लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। नंबर 5, क्या आपको पता है डेनमार्क में एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार दुकान या शॉपिंग मॉल 4 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए। असल में डेनमार्क में काम करने का टाइम 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक है। अगर कोई आदमी 4 बजे के बाद भी अपना दुकान बंद नहीं करता है तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे दुकान है जो कि 5 से 6 बजे शाम तक खुली रह सकती है, लेकिन 6 बजे के बाद यह दुकान भी अगर खुली रहती है तो इसे भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नंबर 4, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसमें लॉगिन या वेरीफाई करने के लिए आपको कैप्चा कोड फिल करना पड़ता है जिससे कि वेबसाइट को लगे कि हमारे वेबसाइट के अंदर कोई आदमी ही विजिट करके लॉगिन या फिर वेरीफाई कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने कभी इस टाइप का भी कैप्चा कोड देखा होगा, यानी कि इस कैप्चा में कुछ आसान सा मैथ का क्वेश्चन होता है, यानी कि 2+2 कितना होता है या फिर 7 में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो क्या होगा, लेकिन वेबसाइट इतना आसान सा सवाल क्यों पूछता है? क्या वेबसाइट पता करना चाहता है कि हम लोग मैथ में कमजोर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में ये भी एक तरह का नॉर्मल कैप्चा कोड ही होता है ताकि आप भी इसको जल्दी से जल्दी कर पाए। अगर आपको इसके बदले जटिल मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिया जाए तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लगेगा, इसीलिए कुछ इस टाइप से नॉर्मल सवाल पूछता है जो कि चुटकियों में सॉल्व हो जाए। और यह चीज एक इंसान ही कर सकता है क्योंकि आप जितनी बार कैप्चा को रिफ्रेश करते हो उतनी बार अलग अलग तरह के कैप्चा देखने को मिलता है। यह चीज अलग होने के कारण से रोबोट को पता नहीं चलता है यह चीज क्या होता है। अगर मान लो रोबोट को यह चीज पता होगा तो कई सारे हैकर्स रोबोट का इस्तेमाल करके बहुत सारे वेबसाइट के अंदर फेक आईडी बनाकर लॉगिन कर सकते हैं, इसलिए इस कैप्चा को मैनुअली रखा गया है ताकि कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर रोबोट के मदद से इस चीज को सॉल्व ना कर पाए। नंबर 3, दोस्तों आप लोगों ने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है, आखिर में इसका प्रॉपर रीजन क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि आप अपनी सिम कार्ड ट्रे में सिम कार्ड को सही से डाल पाए इसी वजह से यहाँ पे कट का निशान लगाया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो एटीएम कार्ड होता है वो चारों तरफ से प्लेन होता है जिसके चलते हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटीएम में एटीएम कार्ड को किधर से डालें। तो यही कंफ्यूजन पहले सिम कार्ड में भी हुआ करता था जिसके कारण टेलीकॉम कंपनी ने सोचा सिम का एक कोना कट कर देते हैं जिससे कि लोग कंफ्यूज ना हो, और फिर फोन बनाने वाली कंपनी भी सिम कार्ड ट्रे का शेप इसी टाइप से देने लगी। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने भी सफर के दौरान कुछ इस टाइप से रंग बिरंगे पत्थर को सड़क के किनारे लगा हुआ देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस रंग बिरंगे पत्थर को रोड के साइड में क्यों लगाया जाता है? दरअसल दोस्तों हर एक रंग बिरंगे पत्थर का कुछ ना कुछ मतलब है। ये जो आपको पीला कलर का पत्थर दिखता है इसका मतलब होता है ये जो रोड है वो नेशनल हाईवे है, यानी कि आप राष्ट्रीय मार्ग पे चल रहे हैं, और इस रोड की सारी रखरखाव की जिम्मेदारी और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और ये जो ग्रीन कलर का पत्थर यानी कि हरे रंग का पत्थर देखते हैं इसका मतलब होता है कि आप किसी स्टेट हाईवे पे, और इस सड़क की रखरखाव की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और ये जो ब्लैक कलर का पत्थर देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि आप किसी शहर के और यानी कि किसी सिटी के और प्रवेश कर रहे हैं या फिर आप किसी सिटी
सिटी में खड़े हैं और इस सड़क की रखरखाव की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की होती है। और वहीं ये जो ऑरेंज यानी कि संतरे रंग का पत्थर देखते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी ग्रामीण सड़क पे खड़े हैं, यानी कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत बनाया गया है। और ये गाँव का सड़क है या फिर आप गाँव के ओर बढ़ रहे हैं, इस बात को दर्शाता है। नंबर वन दोस्तों, हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए आप लोगों ने तो जरूर देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या कभी नोटिस किया है कि हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करता है वहाँ पे एच जैसा क्यों बना होता है? दरअसल हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करती है वहाँ पे एच जैसा लोगो इसलिए बना होता है जिससे कि हेलीकॉप्टर के पायलट को पता चल पाए कि हमें प्रॉपरिंग कहाँ पे लैंडिंग करनी है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एच की जगह पे पार्किंग का पी या फिर लैंडिंग का एल भी तो यूज कर सकते थे। दरअसल दोस्तों हेलीकॉप्टर का अधिकतर यूज वीआईपी लोग करते हैं या फिर बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करती है वहाँ पर एच जैसा बना होता है जिसके कारण हेलीकॉप्टर के पायलट को पता चलता है कि हेलीकॉप्टर का मुंह किधर रखना है और हेलीकॉप्टर का पूंछ किधर रखना है, ताकि हेलीकॉप्टर में सवार वीआईपी उतरते ही मेजबान द्वारा रिसीव किया जाए और वो बिना समय गवाते हुए अपने सही दिशा की ओर बढ़ सके। अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारे वीडियोस को देखा है तो आपको डेफिनेटली हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे मोर वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को एक लाइक कर दे और चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।